नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में, इसे जानने के बाद आपको लगेगा कि क्या आज भी ऐसे लोग हैं। उधार देने के बाद भूलने की आदत आम है। अगर उधार की राशि कम हो तो भूलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे लोग आज भी हैं। यह घटना आंध्र प्रदेश के मोहन की है। मोहन ने मूंगफली तो खरीद दी, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए वह मूंगफली वाले को पैसे नहीं दे पाए और वह पैसा उधार रह गया। लेकिन बाद के दिनों में मोहन ने यह पैसा चुकाया। आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे और कितने दिनों में। इस उधार की कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से, जब मोहन अपने बेटे निमानी प्रणव और बेटी सुचिता के साथ आंध्र प्रदेश के यू कोठारी पल्ली बीच पर घूमने निकले थे। यहीं पर मोहन ने अपने बच्चों के लिए सतैया नाम के एक मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदी थी। बच्चों ने मूंगफली खानी शुरू कर दी, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो मोहन को लगा कि वह अपना पर्स घर पर ही भूल गए हैं। अब उसके पास मूंगफली वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। मूंगफली वाले की दरियादिली देखिए कि उसने पैसे नहीं लिए और मूंगफली दे दिया। इसके बाद मोहन ने यह वादा भी किया कि बाद में हम यह पैसा लौटा देंगे। इसके बाद मोहन ने सतैया की एक फ़ोटो भी खींची। हमने पहले ही आपको कहा कि कम पैसे की उधारी लोगों को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती। यहाँ पर भी मोहन के साथ ऐसा ही हुआ। मोहन बिना पैसा चुकाए विदेश चले गए, यानी कि वे अमेरिका चले गए। वे अमेरिका में ही रहते थे और NRI इंडियन हैं। 11 साल के बाद मोहन और उनके बच्चे एक बार फिर से वापस भारत आए। उन्हें आज भी उस मूंगफली वाले को उधार याद था। उन्होंने सतैया को पैसा वापस करने का फैसला किया, लेकिन इन सब के बीच में समस्या यह थी कि आखिर उसको खोजा जाए तो कैसे खोजा जाए। ऐसे में मोहन ने और उनके दोनों बच्चे उसे खोजने के लिए निकल पड़े। ऐसे में निमानी और उनके बहन ने सतैया को ढूंढने में काकीनाडा शहर के विधायक चंद्रशेखर रेड्डी से मदद ली। सतैया की तलाश के लिए विधायक ने अपने फेसबुक आईडी पर उसकी फ़ोटो शेयर कर दी। कुछ दिनों के बाद सतैया को पता चल गया, लेकिन दुख का था कि सतैया अब इस दुनिया में नहीं थे। सतैया के पूरे परिवार से निमानी और सुचिता मिले। उनके परिवार को उन्होंने 2500 रुपये दिए और अपना उधार पूरा किया। धरती पर आज बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह के छोटे से उधार को याद रखते हैं और उसे वापस लौटा देते हैं। हम आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर किसी ऐसे ही मूँगफली वाले, अगर आपके पैकेट में हो, अगर वो आपको सामान दे दे रहा हो, तो आप ज़रूर उसे वापस लौटें, तो एक बार ज़रूर उसे पैसे दें, उसकी मदद ज़रूर करें। ऐसे लोग बहुत दरियादिल लोग होते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।